हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, वी स्टार्ट ए न्यू वीडियो, क्योंकि आज व्लॉग नहीं है, मतलब नॉर्मली जैसे हम व्लॉग बनाते हैं आज वैसा व्लॉग नहीं होने वाला। आज एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग दी GoPro 10 रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, मतलब इसकी जो 24 मंथ की वो जो वारंटी आती है उससे रिलेटेड आपको कई सारे गाइड बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे रिप्लेस करा सकते हो, क्योंकि GoPro रिपेयर नहीं होता, ओनली रिप्लेस होता है। तो ये ओनली 5 स्टेप में होता है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप इस अपने GoPro, अगर आपका बाई चांस ख़राब हो जाए, वैसे तो ख़राब होना नहीं चाहिए बट फिर भी अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको कैसे रिप्लेस करा सकते हो, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होता, ना इसका कोई सर्विस सेंटर है। जयपुर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो कोई इसका सर्विस सेंटर नहीं है, बस एक GoPro की शॉप है वहाँ पे भी नो, मतलब जहाँ से आप इसको खरीदोगे वही एक सेलर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। नंबर जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपको, यहाँ कहीं पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी, उनकी ईमेल आईडी एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, तो वहाँ जाके आप इसको रिप्लेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले उनको उन नंबर्स पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप उनको मतलब बताओगे कि आपका GoPro ख़राब हो चुका है, जो कि आपको मतलब बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो उससे फिर उसके बाद वो आपको एक फॉर्म की लिंक देंगे जिसको आपको फिलअप करना होगा, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग आपका नाम, आपके फ़ोन नंबर एंड आपका ईमेल एड्रेस एंड GoPro में क्या खराबी आई है एंड GoPro का सीरियल नंबर, जो कि आपको इसके अंदर की तरफ, जैसे कि इसको खोल के आप इसके अंदर की तरफ बैटरी को रिमूव करेंगे एंड बैटरी रिमूवल के बाद यहाँ के इस तरफ आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा जो भी आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और उनको फॉलोअप देना पड़ेगा इससे रिगार्डिंग कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी है। तो ये चीज़ भाई हमारा GoPro तो हमारे पास आ चुका है, काफ़ी ही प्रॉब्लम के बाद आया है, तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले इसको अनरैप करते हैं। हाय 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 हाय, इस चीज़ को करने में जो मज़ा आता है, जितना मज़ा आता है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल भाई। ये चीज़, ओ भाई ये तो हट भी नहीं रहा, देखो कितना प्यार। हाय 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 हाय, हमारा न्यू GoPro, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है चीज़ें। बट अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं जैसे ही हम, तो उसमें आपको जब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनको दे दी है, तो जब आप उनको बता दोगे कि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भर दी है, तब उसके बाद आपने उनको मेल किया जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर, वहाँ से फिर आपको रिप्लाई आता है और उस रिप्लाई के अंदर आपको मिलता है एक PDF में फॉर्म, जिसको कि आपको GoPro को पैक करना होता है और उसके ऊपर पैक को इसको अच्छे से बबल रैप करके किसी बॉक्स में, GoPro के बॉक्स में नहीं, किसी नॉर्मली कार्डबोर्ड होता है, जैसे कि आपके पास कई सारे Flipkart से कहीं से बॉक्स आए हुए होते हैं, उसमें आपको पैक करना होता है, जहाँ से आपको फिर उसको पैक करके उसके ऊपर वो फॉर्म को चिपकाना होता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चिपकाना होता है, ताकि वो GoPro डैमेज ना हो जाए, उनके पास पहुँचने से पहले GoPro डैमेज ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखना होता है आपको। और जब आप ये सारा काम प्रोसेस कर लेते हो तब फिर से आपको उनको नोटिफाई करना होता है, और उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप थर्ड की तरफ, जहाँ जाके आपको पता चलता है कि मतलब आपका GoPro के जो पिकअप है वो शेड्यूल कर दी जाती है। तो उसमें आप अगर उनको फॉर्म को फिलअप, मतलब उनके सारी चीज़ें आप उनको अच्छे से अकॉर्डिंगली उनके थ्रू करते हो, तो आपका पिकअप डन हो जाता है। एंड पिकअप आप जब आप पिकअप वाला लेने आता है तो नॉर्मली जैसे आपको एक पिकअप फॉर्म दिया जाता है, बट इन केस आपको कई बार फॉर्म नहीं भी दिया जाता, बट उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लू डार्ट एक काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए, जो कि उनको काफ़ी अच्छे से आपने अगर पैक किया है, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से उस फॉर्म पर फिलअप की है, वहाँ पर आपका नाम एड्रेस, मतलब फॉर्म पर भी आपका नाम एड्रेस सारी चीज़ें भर के उस पैकेट को चिपकाना होता है। तो उसके बाद जब भी पिकअप डन हो जाता है एंड GoPro लेके चला जाता है, तो उसके 10 से 12 दिन तक आपको फॉलोअप लेना होता है, और वो आ जाता है स्टेप 4 के अंदर, यहाँ पे आपको ब्लू डार्ट के थ्रू आपको जो आपका GoPro है वो कहाँ पहुँचे, उनके पास पहुँचा नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको फॉलोअप लेनी होती है। उस दिनों बाद ही जैसे ही आपका सारी चीज़ें वो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका न्यू GoPro, जो कि हमारा भी मतलब आ चुका है, जो न्यू GoPro आपका वहाँ से शेड्यूल हो जाता है डिलीवरी आपके होम एड्रेस पे, जहाँ जो कि आपने एड्रेस फिल किया हुआ है। तो भाई ये चीज़ें थी, और वो फॉर्म के डिटेल्स में आपको हर एक चीज़ की डिटेल्स में आपको फिलअप कर दूंगा, मतलब काफ़ी सारी बता दूंगा मैंने कैसे किया है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कैसे की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा
कि कैसे कैसे मैंने पैक किया है, काफ़ी सारी चीज़ें कैसे कैसे की है। एंड स्टेप फाइव के अंदर जो आपका ब्लू डार्ट है, वहाँ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी जिसको कि आप फॉलो करते रहिए कि आपका गोप्रो कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा, कैसे आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई इसके रिगार्डिंग, बट मेरा न्यू गोप्रो आ चुका है और इसको पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था, बट अब देखो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। अभी नया तो एसडी कार्ड मैंने इसमें लगाया नहीं है, वैसे तो देखो पावर ऑफ हो गया क्योंकि मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, पावर ऑन के लिए यहाँ से करना होता है साइड से। अब देखो भाई न्यू गोप्रो 10 क्योंकि भाई काफ़ी बेस्ट चीज़ मेरे पास नया जो आया है ना, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें भाई इतनी प्यारी चीज़ें लग रही है ना कि ऐसे लग रहा है कि अलग ही एहसास हो रहा है जब न्यू गोप्रो हाथ में आता है। जब फर्स्ट बार आपके गोप्रो लिया होगा, जब आपको फर्स्ट बार आपके हाथ में गोप्रो आया होगा, वैसे ही नए गोप्रो की फील आपको इसमें भी आती है। इसमें भी आपको देखो पता चलेगा कि कितना वो है भाई। ये देखो यहाँ से पूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पीछे का मेरा हिस्सा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती है मतलब न्यू गोप्रो के साथ। इसको पावर ऑफ करते हैं और बताते हैं आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके गोप्रो रिप्लेसमेंट में। गोप्रो की एक अच्छी खास बात है कि इसकी सर्विस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जेन्युइनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि गोप्रो ने काफ़ी अच्छी सर्विस दी है मुझे। बट उसी के साथ साथ वैसे देखा जाए तो गोप्रो एक अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से तो 10 out of 10 रेटिंग दी जाती है गोप्रो को। और उनके जो सर्विस सेंटर थे, मतलब जो सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से बताया, फॉलो अप काफ़ी अच्छे से किया कि मतलब गाइड भी काफ़ी अच्छे से किया कि आप कैसे किस चीज़ों को करो, कैसे बताया कि हर एक स्टेप बताया कि आप किसको कैसे कर सकते हो, तो उनका भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और बाकी सारे डिटेल्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको भी गोप्रो ख़राब होता है, वैसे ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आप इस 5 स्टेप में आप इसको अच्छे से अपने गोप्रो को रिप्लेस करा सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी जेन्युइन तरीके से आपका गोप्रो रिप्लेस होकर आपके पास नया प्रोडक्ट आ जाएगा। तो भाई और इसकी पैकेजिंग भी आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी वैसे तो, बट अब न्यू गोप्रो। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं देना चाहता था इस गोप्रो से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी कि आप अपना गोप्रो कैसे रिप्लेस करा सकते हो, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था बट आपके लिए मैं इजी कर देता हूँ इस चीज़ों को, तो ये चीज़ है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।